तो गाइस यहाँ पे थोड़ा हम दे रहे हैं भैया को ऐसे ही थोड़ा बहुत। तो यहाँ हमारा छोटू है, अविरल भट्टराय ज़्यादा बड़बड़ करता है, हाँ ज़्यादा साउंड मारता है गाइस, मगर इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ यहीं से हमारा जो बॉर्डर एरिया यहीं से चालू होगा गाइस, यहाँ से सीधा ओपार जाएंगे तो हम लोग इंडिया पहुँचेंगे। थोड़ा इधर का भी नज़रा आपको दिखाएंगे गाइस, यह हमारा चेक पोस्ट है। तो यहीं पे पूरा एकदम पूरा उखड़ी बोलते हैं उखड़ी। देखो गाइस पूरा चारों उखड़े दिल्ली। अच्छा तो हमारा लड़के लोग यहाँ पे हैं, हाय पूरा एकदम दाढ़ी भाई यहाँ है। भाई भाई तो इधर देख सकते हैं हमारा कोरियन, ये नेपाल की मत नाम रख दिए हैं कोरियन। तो इधर है हमारा छोटू भाई जिसका घर है बुद्ध नगर। इस तरफ निकल रहे हैं गाइस हम लोग, यही जो अब नजदीक से हम लोग जो हाइड्रो पावर है यहाँ का, वही हाइड्रो पावर यानी कि जो गंडक का सिंचाई परियोजना है वहीं पे पहुंचने वाले हैं। साइड बाजू पे आप पेट्रोल पंप देख सकते हैं और डिजाइन वाला पेट्रोल पंप। तो आगे ये कंफ्यूज मत होना, ये रोड है गाइस, ये नदी पोखरा वोखरा कुछ नहीं। तो आगे निकल रहे हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान दे के चलाना पड़ता है, हमारा गुरु जी यहीं पे है, गुरु जी का इधर नजरा देख सकते हैं आप। तो आगे निकल रहे हैं, जो ये ठेले पे पूरा दोगानी लोड करके चल रहा है गाइस, ये देखो। तो यही है यहाँ का नवलपरासी का बाजार पे आ गए हैं हम लोग, और यहीं से सीधा हम लोग गंडक डैम पे चल रहे हैं आगे। देखो गाइस ये एरिया पूरा ऊपर वाला एरिया, उखड़ी बोलते हैं उखड़ी वाला एरिया पूरा लोड हो रहा है, कटिंग हो रहा है। यही बाजू पे एक ट्रक आ रहा है गाइस, ये एरिया पूरा एकदम शुगर कैन के लिए बहुत प्रसिद्ध वाला एरिया बोला जाता है गाइस, बहुत ज़्यादा शुगर कैन लगाया हुआ है यहाँ पे। तो शुरू हो गया प्रतापपुर, तो आगे निकल रहा है गाइस, यही आगे पे टनल देखने को मिलता है, नहर देखने को मिलता है आगे, पूरा चौधरी वाला इलाका है, चौधरी बस्ती है यहाँ पे। तो गाइस यहीं से स्टार्ट हुआ, नहर बोलते हैं नहर, देखिए यहीं पे जो सिंचाई वाला नहर यहीं से स्टार्ट हो चुका है गाइस। देखिए बहुत पुराना वाला बस्ती है यहाँ पे, देखो पानी है गाइस, यहीं पे साइड पे बाजू पे पूरा नहरी नहर से इंडिया और चल रहा है गाइस। वही का जो आगे वाला जो हेडवर्क्स बोलते हैं, जो जहाँ डैम लगाया हुआ है पूरा नदी पे, वही डैम का नज़दीक और हम लोग जा रहे हैं गाइस। पूरा एकदम चारों ओर पानी पानी है, उसी का बाजू से आप एक रोड देख सकते हैं, यही रोड
पूरा डायलॉग चल जाता है त्रिवेणी नदी पे। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं त्रिवेणी रिवर पर, देख सकते हैं पूरा नज़ारा यहाँ पे पूरा एकदम ये साइड पे पूरा जो रिवर पहले उधर कालीगंडई था उसके बाद इधर आ गया, इधर आने के बाद नारायणी हो गया, नारायणी जो रिवर है इधर आने के बाद क्या हो गया त्रिवेणी, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिवेणी, जहाँ तीन नदी का जो एक ही जगह पर संगम हुआ है। तो यही वाला डैम से पूरा पानी इकट्ठा करके, तो बाजू वाला जो पहले हम दिखाए थे आपको वही वाला सेक्शन से पूरा पानी इरिगेशन के लिए ले गए हैं गाइस। देखिए थोड़ा आगे का नज़ारा दिखाएंगे आपको। तो गाइस यहाँ पे जो बांध है ये बांध हम लोग ने बांध चुके हैं गाइस। तो इधर आप देखिए जो ये वाला नहर है, ये वाला नहर से जितना भी पानी है ये साइड पे देखो, ये साइड पे लेके गए हैं गाइस। देखो थोड़ा उधर का भी नज़ारा दिखाऊंगा, इधर जो पुल है यहाँ पे यही पार्ट पे थोड़ा पुल क्रॉस करके आपको थोड़ा दिखाएंगे गाइस। ये वाला ये मतलब ड्यूल पर्पज़ के लिए कंस्ट्रक्शन किया है ये जो ब्रिज है, मतलब ये जो इधर का गेट है वो गेट का इंस्पेक्शन करने के लिए और साइड में रोड वेज के लिए। और इधर से देखिए गाइस पूरा पानी यहाँ पे छोड़ा हुआ है, यही पानी नेपाल को इरिगेशन करने के लिए और नेपाल के साथ साथ इंडिया मतलब भारत को इरिगेशन करने के लिए यही पानी लाया हुआ है गाइस। तो इसी का थोड़ा साइड पे जो आगे वाला यहाँ पे पूरा जो दूर मतलब इधर का इधर वाला साइड है, ये वाला साइड पूरा एकदम वो इंडियन बॉर्डर पड़ता है, बिहार वाला बॉर्डर। तो ये वाला सेक्शन अभी हम लोग नेपाल में है, यही वाला गेट से पूरा जितना भी पानी है पानी जाता है गाइस, आपको दिखा रहे हैं यहाँ। तो यही थोड़ा जो डैम है, डैम का ऊपर से हम लोग चल रहे हैं गाइस, यही वाला हिस्सा है यहाँ पे पूरा आगे वाला सेक्शन, और इधर जो बाद में इधर पीछे वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, इधर पूरा एकदम ड्राई है गाइस, पूरा एकदम ड्राई कैनल जैसा है। तो फाइनली गाइस आज का वीडियो यहीं तक का गाइस, फिर मिलेंगे अगले वाला वीडियो पे, देखते रहना।